तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे, यानी कि जो आम के पौधे में हमने किया था, आज 65वां दिन है उसका। ये देखिए, हमने किया था इसे, रूट ग्रो कर रहे थे, यानी कि इसे हाइब्रिड विधि से अलग लगाने के लिए किए थे। तो आज हम देखते हैं कि ये सक्सेस हुआ है या अनसक्सेस। तीन ठो हमने किया था, ये देखिए, वो देखिए और एक उधर में है। तो अभी तीनों को हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका हाल है अभी। ये देखिए है, यहाँ पे इस तरह से अभी इसे हम प्लास्टिक इसका खोल करके देखेंगे। एक ये है और यहाँ पे एक ये है और एक ऊपर में है ये। तो अभी हम तीनों को, पहले एक को खोल करके देखते हैं इसमें रूट आया है या नहीं आया है। इसके बाद इसे कट कर देंगे यहाँ से और ये लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, फाइनली ये जो रूट है, दो ठो रूट इधर दिख रहा है, रूट आ गया है इसमें। अब इसे हम यहाँ से कट करेंगे, ये ऊपर से यहाँ पे पोर्शन से, और इसे लगा देंगे, मिट्टी खन के और लगा देंगे पूरा। तो ये पूरा डाली एक नया पौधा का रूप ले लेगा। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए रहा हसुआ यहाँ पे, और चलिए अब हम यहाँ से कट करते हैं। तो ये देखिए, हमने ले लिया है और इसे लगा देते हैं अब यहाँ पे नीचे गड्ढे में, वहाँ पे गड्ढा नीचे दिख रहा होगा। तो ये रहा, ये देखिए, यहाँ पे लगा ही देते हैं। ये मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा कर देते हैं, इसमें गोबर डालने की, कंपोस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, यूज से भी ज़्यादा, इसलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं डलेगा इसमें, डायरेक्ट इसे रोपण कर दिया जाएगा उस तरह से। अब इसमें ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं पूरी। तो ये देखिए, हम यहाँ पे इस तरह से पौधा पूरा दिख रहा है, मिट्टी से ढक दिया गया। इधर में और भी देखिए, ये पपीता के पौधे लगाए गए हैं ये सारे, और इस तरह से। तो आप भी लगाइए ना पौधे, तो ताकि इन्वायरमेंटल का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप भी कम से कम दो पौधे लगाइए। संजीवनी बुट्टी जिसे आप मार्केट में मिलता है, ये देखिए, गांव में ये सब जो बाज़ार में बिकता है, इसका यूज भी आपको दिखाएंगे अभी। और ये देखिए, पूरा यहाँ पे है, जो कि